प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपना स्टेमिना इंक्रीज कर सकते हो। स्टेमिना का मतलब है कि आप किसी काम को कितनी ज़्यादा देर कर सकते हो, तथा इससे आप में एक ऐसी शक्ति डेवलप होती है जिससे आप कोई भी काम कर सकते हो। तो स्टेमिना को डेवलप करना, उसको बिल्ड करना, उसको इंक्रीज करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है, जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं, जिससे हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप एथलीट हो, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, या कोई भी एजुकेटर या स्टूडेंट हो, हर काम में आपको सहन शक्ति चाहिए, तथा किसी काम को बहुत ज्यादा देर तक करना होता है। तो इस स्टेमिना को कैसे इंक्रीज किया जाए, आज हम ये जानकारी आपको बताएंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, इसके 5 स्टेप हैं। जो फर्स्ट स्टेप है, स्टार्ट टेक ब्रेक्स एंड अगेन स्टार्ट, यह पहला स्टेप है जिससे आप अपना स्टेमिना इंक्रीज कर सकते हो। कोई भी काम बस स्टार्ट कर दो, तथा उस काम को धीरे से आपने स्टार्ट करना है, उसमें कुछ ब्रेक रखिए, फिर स्टार्ट कीजिए, फिर ब्रेक रखिए उस एक्टिविटी में, फिर स्टार्ट कीजिए। अब बार बार ब्रेक देना, बार बार स्टार्ट करने में क्या होगा कि हमारा जो माइंड है या हमारा जो ब्रेन है उस चीज को याद कर लेगा, तो हमारे दिमाग में उस चीज का नोट हो जाना, उसमें वो कैपेसिटी अपने आप ही पैदा होती जाएगी, एबिलिटी अपने आप ही वो उसको ऑब्जर्व करता रहेगा। आपने जस्ट स्टार्ट करना है, एक माइंड को फोकस के रूप में उस काम को स्टार्ट करना है, एक टारगेट फिक्स करना है कि मैंने इतनी रेस लगानी है या जिम में इतने वेटिंग उठानी है। तो जैसे जैसे आपने स्टार्ट किया, उसमें कुछ रेस्ट दिया, फिर स्टार्ट किया, ऐसे ही आपने पहले 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल तक आपने ऐसे स्टार्ट किया, तो यकीन मानिए कि आप खुद को ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे कि यह सब कुछ नॉर्मल है, तथा आपका ऑटोमेटिकली कई गुना स्टेमिना बढ़ जाएगा। अगर आप 2 साल से लगातार स्टार्ट करते हो, रेस्ट देते हो, फिर स्टार्ट करते हो वेट को, तो हो सकता है 10 गुना कैपेसिटी आप में ऑलरेडी इंक्रीज हो जाए सिर्फ फर्स्ट स्टेप को फॉलो करने से। सेकंड, फाइंड अदर सपोर्ट। देखिए, यह मान के चलिए कि संसार में हम परफेक्ट नहीं हैं। जब हम परफेक्ट नहीं हैं, तो हमें दूसरों की सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट तब तक नहीं मिलती जब तक हम दूसरों को सपोर्ट ना दें। तो हमेशा ही याद रखिए, दूसरों को आप सपोर्ट दीजिए, आपको सपोर्ट मिलती जाएगी। अगर आज आपने सोच लिया कि किसी को मैंने सपोर्ट देनी है, तो आपको भी सपोर्ट मिलेगी। तो सपोर्ट से क्या होगा कि जैसे ही आपको सपोर्ट मिलती है, जैसे आपने पुल अप करना है, तो एक व्यक्ति और मिले तो आप ज्यादा पुल अप कर सकते हो, तथा अपना स्टेमिना पुल अप में बना सकते हो। ऐसे ही आपने वेट लिफ्टिंग करनी है, बेंच प्रेस मारनी है, अगर एक व्यक्ति की और सपोर्ट मिल जाए, तो आप जो स्टेमिना बनाना चाहते हो, मान लो कि आपने 100 kg की बेंच प्रेस करनी है, तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। ऐसे ही आपने पढ़ना है, बहुत सारी चीजें जो याद करनी होती है, अगर आप दूसरों को सुनाते हो, वो आपसे सुनता है, तो हो सकता है कि इससे आप बेटर रिमेम्बरिंग कर सको। तो हमें हर हालत में दूसरों की सपोर्ट लेनी है, तो स्पोर्ट के बदले में स्पोर्ट देनी है। तो इस तरह से ये संसार चलेगा और आपका स्टेमिना हालत में इंक्रीज होगा ही। तीसरी बात है, मेक योर माइंड पॉजिटिव। हमेशा ही अपना माइंड पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जब जब आप यह सोचते हो कि मेरा स्टेमिना नहीं बना, मुझ में वो कैपेसिटी नहीं है, मुझ में वो वीकनेस है, तो यकीन मानिए आपकी वीकनेस बढ़ रही है। जैसे ही आपने सोचा कि नहीं, मैं नहीं कर सकूंगा, तो 10 गुना आप में वीकनेस बढ़ चुकी है। इसके बदले में आप ये सोचिए, हाँ मैं कर सकूंगा, कोई बात नहीं, फेल हो चुका हूं, कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी मैं करूंगा, यस इससे मैं करूंगा।
तो यह जो आपके माइंड की पॉजिटिविटी है, यह आप में स्टेमिना को इंक्रीज करने में मदद करेगी। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, हर वक्त आपने पॉजिटिव ही सोचना है। यस, मैं इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा हूं, तो इंप्रूवमेंट आपके पास अपने आप ही आएगी। तो यह जो माइंड है ना, तो अपने आप ही वो चीजें इस संसार में आ जाती हैं। एंड फोर्थ, कलेक्ट आइडियाज ऑफ मेकिंग स्टेमिना। दुनिया में बहुत सारे आइडिया हैं। एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उस आइडियाज को लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे एक आइडिया मैं बता देता हूं, अगर आप उस इन्वायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं जहां डिस्टर्बेंस नहीं है, जहां डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप अपने काम में फोकस लगा सकते हो, तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा। दिस इज अ वन आइडिया जो आप कॉपी में नोट कर सकते हो। ऐसे ही हजारों आइडिया हैं। फोरम्स में जाइए, ब्लॉग्स में जाइए, अपना एक ब्लॉग सुनाइए, तथा हमेशा ही आप उन आइडियाज को कलेक्ट करते जाइए, तो आप एक ऐसी लिस्ट अपने हाथों में, एक ऐसा रहस्य अपने हाथों में पाएंगे, जिससे आप अपने स्टेमिना को हजारों तरीकों से इंक्रीज कर सकते हो। तो यह कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा मसला नहीं कि आप इसको नहीं पा सकते। हर व्यक्ति ने जो सक्सेसफुल है इसमें, उन्होंने एक स्टेमिना पाया है। एंड इन लास्ट, बी पॉजिटिव। आपने हमेशा ही खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना को यहां पॉजिटिव भी ठीक है, वैसे पॉजिटिव इसमें आ गया, इसलिए बी हैप्पी। जो व्यक्ति पॉजिटिव होंगे वो तो खुश रहेंगे ही, तो आपने हमेशा ही खुश रहना है। खुश रहने के लिए कोई धन दौलत नहीं लगती, सिर्फ इससे क्या है कि आपने वो एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें आप खुश रह सको। इसका मतलब ये है कि आप सोचो कम, महसूस ज्यादा करो, लोगों की दुख तकलीफों में सपोर्ट दो, उनके साथ हंसी और मजाक करते हो, तथा एक खुशनुमा एनवायरनमेंट बनाओ। उससे क्या होता है कि जो काम हम नहीं कर सकते खुशी के माहौल में, वो काम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप बहुत सारे न्यूट्रिशंस लेते हो, हजारों की लिस्ट बना लो, हजारों रुपए उस पे खर्च कर दो, बट जब आप स्माइल करते हो, मुस्कुराते हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड इंक्रीज होने लग जाता है। जो वो ब्लड इंक्रीज हो जाता है, उससे आप जो काम करना चाहो वो सफल ही होगा, उससे आपको बहुत ज्यादा स्टेमिना मिलेगा। तो आज से हम खुश रहें हर हालत में, दुख तकलीफ जितना भी हो उसे बहुत ही शांति से सहन करें, धीरे धीरे सहन की केमिस्ट्री को बढ़ाएं, तो हमेशा ही अपना एनवायरमेंट खुशनुमा बनाएं। आपके खुशी से हजारों लोगों को खुशी प्राप्त हो सकती है। अगर आप दुखी हो तो आप लोगों को सिर्फ दुख दे सकते हो। तो आपने डिसीजन लेना है, आपने क्या करना है। ये पांच चीजें हमेशा याद रखिए कि हमने अपने स्टेमिना को कैसे बढ़ाया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।